पहले का एक वक्त था 720 में 720 लाना वाज अ टास्क। अब आपको खुद ही पता चलता है कि कैसे रैंक आ रही है, मतलब तुम्हारे 700 से ऊपर भी नंबर आया ना 720 में तो भी रैंक पीछे ही हो जाती है, टॉप 100 से भी पीछे हो गई। आपको लगेगा कि हमने तो इतना ज्यादा पढ़ा क्वेश्चन से, एकदम इतना ज्यादा मतलब कि इतना इतना नीचे से हमने पढ़ा बेसिक्स, पर हमारे क्वेश्चन जो आते हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं सीधे बेटा। आजकल तो ट्विस्ट ही करना बंद कर दिया, बहुत कम क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधा, इसीलिए तो बेटा कट ऑफ भी हाई जाती है। पहले का एक वक्त था 720 में 720 लाना वॉज अ टास्क। अब आपको खुद ही पता चलता है कि कैसे रैंक आ रही है, मतलब तुम्हारे 700 से ऊपर भी नंबर आया ना 720 में तो भी रैंक पीछे ही हो जाती है, टॉप 100 से भी पीछे हो गई, ठीक है। हाँ तो मैं ये डरा नहीं रही हूँ तुम्हें, मैं ये बता रही हूँ पेपर बहुत सरल आता है बच्चों, तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि पेपर सच में ईजी आता है, इससे डरो मत, इससे आप एक ये चीज समझो कि पेपर ऑनेस्टली ईजी आता है मैम। तो अगर हमारी डायरेक्शन सही होगी, अगर हम सच में एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेंगे, इधर उधर का नहीं पढ़ेंगे, तो इट विल बी ईजियर फॉर अस कि हम ऐसे टॉपिक्स में ऐसे सब्जेक्ट्स में ज्यादा टाइम दे पाएंगे जिनमें हमें ज्यादा समय देने की जरूरत है। यहाँ अंट शंट पढ़ के कोई काम नहीं होगा, ठीक है। यस तो बेटा यहाँ पे देखो क्या कर